सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन न करने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति अत्यंत गंभीर है और मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगता है कि पटाखों पर प्रतिबंध प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। दिल्ली और NCR में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता लगातार भयावह हो रही है, जिसके चलते लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के लेवल को पार कर चुका है, जो गंभीर प्रदूषण का संकेत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लागू नहीं किया गया और यदि प्रतिबंध था तो पटाखे कैसे जलाए गए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ये पूछा है कि अगले वर्ष ऐसा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। अहम टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण का स्तर 2022-23 की तुलना में इस बार कहीं अधिक है और स्पष्ट है कि आदेश का पालन नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट से पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह के हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी याचिका पर सुनवाई 18 नवंबर तक टाल दी है। जस्टिस BR गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस KV विश्वनाथम की बेंच ने स्पष्ट किया है कि वे मामले की सुनवाई के बाद ही राहत पर विचार करेंगे। हत्यारे बलवंत सिंह राजोआना ने अनुच्छेद 32 के तहत दया याचिका पर निर्णय में एक वर्ष और 4 महीने की असाधारण देरी के आधार पर मौत की सजा को कम करने की मांग की थी। उसे 1996 में एक बम विस्फोट के मामले में दोषी ठहराया गया था और वह 29 वर्षों से हिरासत में है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने इस मामले में देरी को चौंकाने वाला बताया। उन्होंने तर्क दिया कि बलवंत सिंह राजोआना ने 28 वर्ष और 8 महीने की सजा काट ली है, जिसमें से 17 वर्ष मृत्यु दंड सेल में बताए हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बलवंत सिंह राजोआना को किसी भी अंतरिम राहत देने का विरोध किया। कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस पर जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने UAPA के तहत दर्ज मामले में जमानत शर्त में छूट की मांग की थी। जस्टिस PS नरसिम्हन और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने सिद्दीकी कप्पन को सितंबर 2022 में दी गई जमानत के दौरान लगाए गए शर्तों में ढील दी है। जमानत की शर्तों के अनुसार सिद्दीकी कप्पन को कथित हाथरस साजिश मामले के सिलसिले में हर सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिद्दीकी कप्पन को अब स्थानीय थाने में रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं होगा। साथ ही अन्य प्रार्थनाओं को भी स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सिद्दीकी कप्पन को अक्टूबर 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया गया था, जहां एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई थी। 2 साल बाद 9 सितंबर 2022 को कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन को जमानत देते हुए कहा था कि हर व्यक्ति को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है और जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई गई थी, जिसमें उन्हें दिल्ली में रहने और हर हफ्ते पुलिस थाने में रिपोर्ट करने की शर्त शामिल थी। अब इस आदेश में संशोधन कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा में बायोलॉजी के 2 सवालों को गलत बताने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि एडमिशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए अब कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता छात्रा ने कोर्ट में ये कहा है कि उसने दोनों सवालों की गलतियों के प्रमाण के रूप में 2 NCERT पाठ्य पुस्तकें पेश की है। हाई कोर्ट के समक्ष भी इसे रखा गया था। चीफ जस्टिस ने कहा, यह मामला अब खत्म हो चुका है। आप अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट गई थी, लेकिन अब नवंबर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक PIL पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 348(1) की वैधता को चुनौती दी गई थी और शीर्ष अदालतों में हिंदी में सुनवाई की मांग की गई थी।
अनुच्छेद 348 एक में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में की जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्होंने पीआईएल में हिंदी के लिए विशेष राहत क्यों मांगी, जबकि विभिन्न राज्यों से संबंधित पक्ष भी कोर्ट में मामले दायर करते हैं। उन्होंने कहा, क्या हमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त हर भाषा में सुनवाई करनी चाहिए? इस दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी बताया कि चुनौती का प्रावधान मूल संविधान का हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि भाषाई बाधा के कारण उन्हें न्याय से वंचित होना पड़ा। हालांकि बेंच ने मामले पर आगे विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि रिट याचिका में योग्यता की कमी है और इसीलिए इसे खारिज किया जाता है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए टीवी और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।